तो गर्मा गर्म जो है डोसा इडली वगैरह बिक रहा है। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और न्यू जर्नी ब्लॉग में। बाकी आज हम जर्नी करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 12645 एर्नाकुलम से चलकर हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली मिलेनियम एक्सप्रेस पे। काफ़ी फेमस ट्रेन है अभी और काफ़ी अच्छी ट्रेन है। कि आज जो हम इसे कोयम्बटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन से बोर्ड करने वाले हैं और कल विजयवाड़ा तक जो है मैं इस ट्रेन को कवर करने वाला हूँ। कल दोपहर को 2:15 या 20 पे हमारा विजयवाड़ा आ जाएगा। बाकी ट्रेन का जो अभी आने का टाइम है हमारा यहाँ पर 11:17 पे है। 2-3 लेट चल रही है, बाकी होप्स अभी आ जाएगी। पलक्कड़ से आगे पहुँची गई है, मतलब ये समझ लीजिए आपका 15-20 और बचे हुए ट्रेन को आने में। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ट्रेन आने वाली है। क्योंकि हाँ, इसका डिपार्चर लेने के बाद मैं जो है अभी रेस्ट करूँगा, क्योंकि आज आपने देखा है कि मैं कोयम्बटूर इसलिए आया था क्योंकि कोयम्बटूर से मुझे कवर करनी थी मेट्टुपुलायम वाली नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसको मैं कवर करते हुए आ रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर कोयम्बटूर आया था। बाकी आपको वो जर्नी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। काफ़ी अच्छी जर्नी रही है और इस रूट में बारिश भी हुई है। बाकी यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा रहे और अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मैं खड़ा हुआ था। खाना पीना वगैरह तो देखिए मैंने, जो ऑलमोस्ट इतना लेट हो गया तो मैंने वर्थ इट नहीं समझा कि पैक करवाना चाहिए, तो मैंने यहाँ बाहर ही रेस्टोरेंट में बैठ के खा लिया है खाना। बाकी चलिए, ट्रेन आती है तो मैं आपको जब मिलता हूँ मैं आपको अराइवल दिखाऊंगा, उसके बाद डिपार्चर दिखाते से फिर गुड नाइट करेंगे। कल सुबह से जो है हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो रूट रहेगा वो जुलारपेटे होते हुए ट्रेन जाएगी। कल सुबह जहाँ भी मेरी नींद खुलेगी मैं आपको वहाँ से जो है जर्नी कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। बाकी चलिए देखें, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ये खड़ी हुई है हमारी कोयम्बटूर से चलकर, ये खड़ी हुई है हमारी चेन्नई से चलकर कोयम्बटूर को आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। दोस्तों, ये आज हमारा जो है मिडल बर्थ मिला हुआ है। चलिए सोने की तैयारी करते हैं, लाइट्स को ऑफ करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तिरुपति रेलवे स्टेशन। यहाँ पर दोस्तों 7:10 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है। यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का जो है 5 का हॉल्ट है। कि चलिए, यहाँ पर जो मेरी नींद खुली है तो मैं अराइवल तो नहीं कैप्चर कर पाया, यहाँ पर डिपार्चर जरूर कैप्चर करूँगा। चलिए यहाँ से टी कॉफ़ी वगैरह का करते हैं जुगाड़। और देखिए, तिरुपति रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया। बाकी तिरुपति की बात की जाए तो आप तो जानते ही, तिरुपति किस लिए फेमस है, बहुत ही फेमस है, आप भी जानते हैं। जिन जिन लोगों ने तिरुपति आ चुके हैं या आना चाहते हैं बताइएगा, बिल्कुल ज़रूर। कौन सी ट्रेन आप प्रेफर करेंगे वो भी बताइएगा। बाकी ये मिलेनियम एक्सप्रेस भी काफ़ी अच्छी ट्रेन है और यहाँ से काफ़ी सारे पैसेंजर बोर्ड हुए हैं हमारी ट्रेन के अंदर। चलिए कुछ लेते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, चाय वगैरह, फिर उसके बाद जो है अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। पर देखिए, तिरुपति रेलवे स्टेशन पे भीड़ देखिए लोगों की, क्या ज़बरदस्त लगी हुई है। खाने पीने के लिए सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली अगर आप तिरुपति रेलवे स्टेशन आ रहे हैं। स्टॉल्स वगैरह भर भर के स्टॉल्स हैं, मतलब अच्छे खासे आपको स्टॉल मिल रहे हैं यहाँ पर। फाइनली दोस्तों, 5 के हॉल्ट के बाद ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है हमारा तिरुपति रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर जो है IRCTC का रिफ्रेशमेंट काउंटर भी बना हुआ है। खाना पीना है तो आप यहाँ से खा सकते हैं।
यहाँ पर तिरुपति काकीनाडा एक्सप्रेस का रेक सेंड हो रहा है भाई। एपी संपर्क क्रांति, यहाँ पर एपी संपर्क क्रांति के देखो रेक्स लगे हुए हैं आपके। निजामुद्दीन से चलकर तिरुपति को आने वाली एपी संपर्क क्रांति, अच्छी ट्रेन है ये भी। यहाँ पे दोस्तों तिरुपति सिटी के सुबह सुबह शॉर्ट्स देखिए, यहाँ पर दोस्तों 7:57 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है यहाँ पर दोस्तों 7:27 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है रेणीगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर जो है हमारी एराकुनम वाली लाइन एक आके मर्ज हो जाती है, एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं अभी वो वाली लाइन आके मर्ज हो जाती है, जिस पे हम जाएंगे गुडर वाली लाइन वो मर्ज हो जाती है, एक गुटी वाली लाइन आपकी मर्ज हो जाती है। इसलिए आपका रेणीगुंटा एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। बाकी खाने पीने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वेंडर्स चढ़े हैं, इडली डोसा वगैरह देखते हैं कुछ मिलता है तो ट्राई करेंगे ज़रूर, क्योंकि ब्रेकफास्ट का जो ऑलमोस्ट टाइम भी हो रहा है यहाँ पर। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है रेणीगुंटा जंक्शन रेलवे। यहाँ पर दोस्तों देखिए गुटी वाली लाइन हमसे अलग हो रही है, और गुटी वाली लाइन से जो है कांचीगुड़ा से चलकर चित्तौड़ को जाने वाली कांचीगुड़ा चित्तौड़ एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है रेणीगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर दोस्तों 9:25 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है गुडूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम विजयवाड़ा मेन लाइन में मर्ज हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है एक मेन चेन्नई वाली मेन लाइन जो है वो आके मर्ज हो रही है, इसलिए गुडूर बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। विजयवाड़ा चेन्नई मेन लाइन पर अभी हम आ गए हैं यहाँ से। बाकी यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का। ब्रेकफास्ट के लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वेंडर्स वगैरह अंदर ही आपको आ जाएंगे, आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है खाने पीने के लिए। इस ट्रेन में जो है साइड पेंट्री की सुविधा अवेलेबल है, ये चीज़ मेरे को सुन के एक अलग सी चीज़ लगी कि इसमें साइड पेंट्री क्यों दी गई है, जबकि एक लॉन्ग रूट की ट्रेन है
होपफुली ये जब एलिजिफाइड हो जाएगी तो उसके बाद जो है इसमें डेडिकेटेड एक पेंट्री का कोच लगा दिया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबी ट्रेन है, आपके एर्नाकुलम से लेके हज़रत निज़ामुद्दीन तक जाने वाली एक ट्रेन है, तो मतलब डिस्टेंस काफ़ी अच्छा कवर करती है। बाकी देखिए हमारी जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ट्रेन का अराइवल हुआ है गुडूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर लगी है पाटलिपुत्र SMBT बेंगलुरु एक्सप्रेस, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है वो ट्रेन। ये देखिए भाइयों, यहाँ पर जो है दोस्तों डोसे का ऑप्शन, इडली का ऑप्शन आपको अच्छा खासा मिल जाएगा स्टेशन पे, जो है सबसे ज़्यादा आपका यही मिलने वाला है आपको। बाकी देखिए वहाँ पर पाटलिपुत्र SMBT का डिपार्चर हो चुका है।
स्वागत है दोस्तों आंध्र प्रदेश के खूबसूरत से ओंगल शहर में। यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हमारी ट्रेन 11:29 पे आ गई है। बाकी यहाँ पे भी 2 मिनट का हॉल्ट है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है हमारी हावड़ा से चलकर तिरुपति को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। वहाँ पर एक्चुअली फ्रेट ट्रेन लगी हुई है, इसमें मैं आपको दिखा नहीं पाया। बाकी यहाँ पे भी हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन का अराइवल है, पर मुझे ये नहीं समझ में आया, हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया गया, उसको 3 नंबर पे डाला गया है। ये चीज़ का कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसको प्रायोरिटी पे ज़्यादा मिलनी चाहिए। ताकि चलिए मैं आपको अगर वंदे भारत दिखती है तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन का अराइवल है। यहाँ पे लगी हुई है हावड़ा से चलकर तिरुपति को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ओंगोल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पर देखिए एग बिरयानी, वेज बिरयानी, जो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है आप स्टेशन पे खाने पीने के लिए आपको स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे अच्छे खाते यहाँ पर भी ओंगोल रेलवे स्टेशन पर। चलिए यहाँ अभी हमारा डिपार्चर सिग्नल हो गया है ओंगोल से। यहाँ पे दोस्तों देखिए ट्रेन की क्लीननेस देख लीजिए आप, यहाँ पे मिरर है इसका क्लीन, ये आपका वॉश स्टेशन बिल्कुल क्लीन है, ये आपका डस्टबिन थोड़ा सा भरा हुआ है। बाकी देखिए वहाँ पे भी इस ट्रेन का जो मेंटेनेंस है ना वो अच्छा रखा गया है, क्योंकि मैंने अंदर के टॉयलेट्स भी देखे थे, काफ़ी क्लीन थे, इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल, काफ़ी दूर से आ रही है ट्रेन। बाकी पुराना इंटीरियर होने के कारण कुछ नहीं बोल सकते। जल्दी इसको भी एलर्जी सबसे जल्दी इसको एलर्जी मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं कब इसको है। बाकी इसको जल्दी एलर्जी मिल जाना चाहिए, काफ़ी लंबी उसकी ट्रेन है। देखिए आपका जो है एर्नाकुलम से लेकर निज़ामुद्दीन तक जा रही है, तो काफ़ी लंबी ट्रेन है, तो इसको एलर्जी मिल जाना चाहिए। अभी 65 किलोमीटर्स बचे हुए हैं हमारे विजयवाड़ा के लिए। मैं विजयवाड़ा तक ही ट्रैवल कर रहा हूँ उस ट्रेन के अंदर। गुंटकल वाली मेन लाइन हमसे मर्ज होते हुए मेन विजयवाड़ा वाली लाइन में, जो ट्रेनों को गुंटकल के लिए जाना होता है वो यहाँ से बाईपास ले लेती है। देखिए जो मेन लाइन है जो गुंटकल से आ रही है वो। Thank you.
कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ विजयवाड़ा शहर में आपका स्वागत है। बाकी विजयवाड़ा से जो आपको है ऑल ओवर इंडिया के लिए ट्रेन मिल जाएंगे। यहाँ पर तिरुपति वाली लाइन हमारी और गुंडगल वाली लाइन आके मिल जाती है, और एक जिस लाइन से हम आ रहे हैं वो वाली लाइन मिल जाती है, और एक लाइन जो है आपकी विशाखापट्टनम वाली लाइन मिल जाती है। इसलिए जो विजयवाड़ा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। बाकी यहाँ पर 2:12 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है। हमारी ट्रेन बिफोर आई थी एक्चुअली में, कृष्णा नदी के जो है ब्रिज के ऊपर हमें रोक रखा था, आपने अभी देखा ही था। बाकी आप लोग बताइएगा आपको ये मिलेनियम एक्सप्रेस की जर्नी कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलूँगा आपको ऐसी किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद। और इस ट्रेन के अंदर हम लोग एंड टू एंड जर्नी करेंगे जब ये LHB हो जाएगी। फिलहाल तो इसमें जर्नी करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लॉन्ग रूट की जर्नी ट्रेन है। क्योंकि आप लोग बताइएगा आप लोगों की क्या राय है, मैं कमेंट्स बॉक्स में वेट करूँगा आप लोगों के कमेंट्स का। बाकी चलिए बाय बाय।